गलती क्या है? बच्चों की पहली गलती है कोचिंग आने से पहले, इलाहाबाद आने से पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस, उस सब्जेक्ट का अनुसार जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं वो घर पे खरीद के रखनी है। मैं आज भी अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कितने लोगों के पास अनसॉल्व है, तो 50% ज्यादा बच्चे कहते हैं सर अनसॉल्व नहीं है। यही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है, आपको नहीं पता है कि आपको करना क्या है। भैया नॉर्मलाइजेशन इसी पे होता है, परसेंटाइल पे, मैं उसको भी बता देता हूँ कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। जैसे यूजीसी या कोई भी वो एग्जाम जो ब्रॉड लेवल पर होता है, ब्रॉड लेवल पर होने वाले एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं इसको और सरल तरीके से बता देता हूँ। अभी अपने यहाँ होम साइंस वाले बच्चों को कल परसों मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको ही बता दू, यही टीजीटी बीजीटी के चेयर बोर्ड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। चयन बोर्ड में पहले एक हीरालाल गुप्ता जी अध्यक्ष थे, यही चयन बोर्ड में पिछली बार हीरालाल गुप्ता जी अध्यक्ष थे, और नाम नहीं मुझे याद है, एक मैडम मेरठ की थी जिसको डायन मैडम कहते थे, जी हाँ, लोग उनका कोडवर्ड रखे थे, अब मुझे नाम नहीं याद है, और उनको लोग डायन मैडम कहते थे। डायन मैडम जानते क्यों कहते? हीरालाल गुप्ता जी निहायत ईमानदार थे, रिटायर्ड आईएएस थे, वो पैसा नहीं लेते थे। और एक पांच बोर्ड है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, अब हीरालाल गुप्ता जी पैसा नहीं लेते तो इनके बोर्ड में जो बच्चा जाता था बताता था नंबर देते थे, नहीं बताता तो नहीं नंबर देते, इनका सीधे से पढ़ना था। अब दूसरा हो गया डायन मैडम का, इन मैडम के बोर्ड में जिसका भी बच्चे का पढ़ जाता था पता नहीं क्या बात थी कि मैडम नंबर ही नहीं देती थी किसी भी बच्चे को। अब इसमें बच्चे की क्या गलती, बच्चे का क्या दोष? अब है क्या, इनके बोर्ड में पढ़ गए, इनके बोर्ड में पढ़ गए, इनके बोर्ड में पढ़ गए, तो ये तीनों लोग पैसा लेके जिसका पैसा आता था उस बच्चे को नंबर दे देते थे। अब इसमें बच्चे की क्या गलती? बच्चा पैसे देने के तैयार है लेकिन ये सब ईमानदारी पे पैसा नहीं लेते, और ये मैडम चिड़न में पैसा नहीं लेती, दोनों नहीं लेते थे लेकिन ये नंबर नहीं देते। आदमी में पुरानी कहानी बताओ, अब इसमें बच्चे की क्या गलती? तो बच्चा का लक खराब था कि इन दोनों के बोर्ड में पड़ जा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पति और पत्नी दोनों 2013 के बोर्ड के यही मारे हैं। 2013 में मैं हीरालाल डी, चार ऑप्शन है, आप इसकी आंसर मत खोजो, आंसर खोजोगे ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, आप इसका वो आंसर खोजो जो आंसर गलत हो। जैसे मैंने चेक किया ए नहीं है क्लिक, सी नहीं है क्लिक, डी नहीं, जो बचा हुआ आंसर होगा वो आंसर होगा। अगर सीधे से आप इसके ऑप्शन खोजने जाएंगे ना कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा कि आप सबके लिए इस उम्र में आकर जेआरएफ का पैसा फ्री का होता है, 25 लाख रुपए थोड़े से नहीं होते, एक जेआरएफ को 5 साल में 25 लाख रुपए अवार्ड होते हैं। हर महीने 32,000 रुपए को आप इंटू कर लीजिए 3 साल में, उसके बाद लाख के 2 साल में 40,000 रुपए आपके पास, जो बेरोजगारी है ना उस बेरोजगारी में 25 लाख रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है। और कोशिश करें, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कोशिश करिए, इलाहाबाद में रह रहे हैं तो अपना खर्चा खुद उठाना शुरू करें। उसका बहुत सीधा सा फंडा है, आप जेआरएफ हो जाएंगे, जेआरएफ होने के बाद किसी पर 5 साल डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और जब आप 5 साल किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना उस 5 साल में आपके दिमाग की बत्ती चल जाएगी। मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देता भैया, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूं। मेरा फ्यूचर, मेरा लक तब से बदला, मेरी चीजें तब से बदली जब से जेआरएफ का पैसा मुझे मिलना शुरू हुआ। नहीं, एक छोटी सी स्कूल में एक छोटी सी सैलरी पर काम करने वाला प्यून, आपका ये एक संख्या एक कम करो, बोलो कितना आएगा? 6, इसमें से 9 घटा दो, चलिए सामने वाली संख्या में से 1 माइनस करिए, बोलिए इतना तो माइनस करना ही आपको, वो सिखाना पड़ेगा। सभी रोहित सर ने कहा 2.25 में 2 ऐड करना था, मेरे मन में ये ख्याल आया उन्होंने इसलिए गलत किया होगा क्योंकि उनको लगा इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, पासिंग जोड़। मेरे मन में यही था। तो जैसे अगर 99 का 78 में गुणा करना है तो इस नंबर में पहले एक कम करो, एक कम करो बोलो कितना है? 77। और जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा उनमें से 9 को सेपरेट करना है। चलिए 9 में से 7 गया कितना? 9 में से 7 गया कितना? हो गया।
अब देखिए 999 गुणे 684, चलिए साथ में बोलते हैं क्या होगा, बोलिए इसमें कितना कम करेंगे ए, तो बोलो कितना आएगा 684 आया कि नहीं आया। अब सभी नंबर में नौ को माइनस करें, चलिए नौ में से छह गया, नौ में से आठ गया, नौ में तीन गया, छह, इसको मल्टीप्लाई। देखिए जब तक हमें कैलकुलेशन नहीं पता है हम आपको यूनिट स्टार्ट कर दिए, आपको डीआई पे ले चले, बार ग्राफ पे ले चले, वहां पे कैलकुलेशन आए, जब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं पता तो वहां क्या कर पाएंगे, इसलिए पहले कैलकुलेशन पे फोकस करें। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 9999 गुणे 6453, अरे बहुत कुछ आपको बताएंगे, देखते चले, इसमें बोलिए कितना कम है, कितना कम करेंगे ए, तो बोलिए कितना आएगा, कितना आएगा 6452 आया नहीं है। आप सभी नंबर में कितना कितना माइनस करेंगे 9, चलिए 9 में लिखे, 9 में 6 गया 3, 9 में 4 गया 5, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, ये चलिए केस ऑफ 9 का थोड़ा सा नोट लिख लीजिए, कुछ सीखे फिर आगे बढ़ाते हैं।